रूमानी साहब ने अपने उम्मीदवार जो घोषणा की है उसमें कई उम्मीदवार है, उसके अंदर आपका भी नाम आया, आप कैसा उसको देखते हो, क्या देखते हो? नहीं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जैसी एक पढ़े हुए इंसान के लिए, मेरा कोई बैकग्राउंड देख के उन्होंने मुझे जो ये मौका दिया है, जो भी मौका उन्होंने मुझे दिया है, जो भी लोगों को मुस्लिम समाज को जो अपील उन्होंने किया है कि मेरे को वोट करो, तो मेरे में कुछ खामियां होंगी और मेरा कुछ बैकग्राउंड उन्होंने चेक किए होंगे, मैं उसके काबिल होंगे करके उन्होंने मुझे दिए, मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा ज़िंदगी भर, मैं उनके इस एहसान को भूलूँगा नहीं। जो जो इस समाज के लिए काम करना ज़रूरी है वो आने वाले समय में ज़रूर करूँगा। उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किए, उनका जो विश्वास मेरे पे है, वो विश्वास को कभी भी मैं धोखा नहीं दूंगा, उस पर मैं उनके सभी काम जो जो उनके मनोकामना रहेंगे वो पूरे कंप्लीट करने का मेरा जवाबदारी रहेगी। मराठा कम्युनिटी से आया आप, काफ़ी मुस्लिम नुमाइंदे भी आपके अगेंस्ट में खड़े हुए, फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ इसके अंदर, कैसा? उसमें ये इस नुमाइंदे जो होंगे मेरे बाजू वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनका कुछ कुछ ना कोई प्रॉब्लम होगा, उनका भी उन्होंने बैकग्राउंड चेक किए होंगे, कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा। मैं अभी तक 32 साल से राजकारण में हूँ, मैंने कभी किसी को तकलीफ दिया नहीं। इसके पहले भी मैं गणेश कॉलोनी से नगर सेवक था, वहाँ पे भी 60% मुस्लिम बांधव थे, उस टाइम भी मेरे साथ में मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। आज भी मेरे कुछ कार्यकर्ते हैं जो मुस्लिम समाज के मेरे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, मेरे वो अभी मेरा एक कार्यकर्ता है शेख रब्बानी, वो तो मेरे से दिलो जान से मेरे साथ में है, हमेशा हमारे साथ में, संगठन के साथ में, शिवसेना के हर तरीके से हमारा समर्थन करता है, क्योंकि हम उसके आधी रात को काम आने वाले हैं। इसीलिए ये सब लोगों का मेरा बैकग्राउंड चेक करके उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किए, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, अभी प्रेस रिलीज मैंने देखा है और टेलीविज़न पे भी आया है कि उन्होंने एनेक्सर 2 में जहाँ पर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट नहीं है, उसमें औरंगाबाद मशरखी हल्के असम्बली से हमारे नाम की तायीद की है। सच बात तो यह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी के बारे में मैं वो हैसियत नहीं रख सकता हूँ कुछ कह सकूँ। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में सियासी तौर पर बेदागी पैदा करने का जो अजीम शान काम और फिरखा परस्त ताकतों का, बिलखसूस उन फिरौनी ताकतों को रोकने का जो काम सज्जाद नुमानी साहब ने किया, उसमें उनका जो किरदार रहा, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। तो अल्लाह ताला ने उनको सियासी बसीरत दी है, फिरासत दी है, हिकमत दी है। औरंगाबाद मशरक़ी हल्के के सिलसिले में उनकी तायीद हासिल करने के लिए मेरी एक ही मुलाकात हुई, वो मुलाकात मुख्तसर से 5 मिनट की थी। मैंने ये बात महसूस किया कि मौलाना की अपनी एक टीम है जो हर इंतखाबी हलके में अपने तौर पर जायज़ा करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। मौलाना ने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद मुझसे जो 3 जुमले कहे, वो आज भी मेरे दिमाग में बसे हुए हैं और मेरे दिमाग में मौजूद हैं। पहला सेंटेंस ये कहा, अगर हम किसी की तायीद करते हैं तो उसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद या मकसद नहीं होता है, हमारा मकसद ये होता है कि वो कौम और मिलत के तई ईमानदार, दयानतदार और साबित ख़दम रहे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस मनसब पे आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको इंसाफ करना है, आपको इंसाफ मुसलमानों के साथ साथ दलितों से, हिंदुओं से, आदिवासियों से, पसमानदा तबकात से कहना है। उसके आगे उन्होंने बात यह कही कि
किस तरह से मुल्क में एकजहती और आपसी भाईचारा बढ़ सकता, उसके लिए आपको काम करना है, नफरत की दीवारों को गिराना है। ये तीन अहम बातें उन्होंने कही। मैं एक बार दिल की गहराइयों से उन्होंने जो मेरी तायीद की है, मेरी जानिब से, मेरे अफराद ख़ानदान की जानिब से, मेरे तमाम साथियों की जानिब से, मेरे पार्टी की जानिब से, मैं शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह उनकी जो नसीहतें हैं उस पर अमल भी करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि मैं चुनकर आने के बाद जिस मकासद के तहत मौलाना ने मुझसे गुफ्तगू की है, जो मौलाना हिदायत दिए हैं, उस पर अमल करूँगा। अल्लाह मुझे नेक तौफीक दे। ये भी आपके माध्यम से अल्लाह के रूबरू में दुआ कर रहा हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।